वही हाथरस भगदड़ की घटना को लेकर एडवोकेट एपी सिंह का बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि घटना बहुत दुखद और दिल दहला देने वाली है। एपी सिंह ने कहा कि मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब के दौरान लोकसभा में अपनी संवेदना व्यक्त की। दरअसल भोले बाबा के वकील ने बीते रोज दावा किया था कि बाबा के अनुयायी कभी भी उनके पैर नहीं छूते हैं। वकील एपी सिंह ने मंगलवार को हाथरस में मची भगदड़ और उसमें 121 लोगों के मारे जाने की पीछे असामाजिक तत्वों का हाथ होने का संदेह जताया। उन्होंने यह भी कहा था कि भगदड़ की जांच कर रहे राज्य प्रशासन और पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए वे तैयार हैं। नारायण साकार हरि ने जो घटना कल घटी दुखद थी। जिस तरह से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश षड्यंत्र के तहत जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। अच्छी तरह जांच हो, हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, एसआईटी जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छी तरह से जांच करें। अंडर हाईकोर्ट की निगरानी में, अंडर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जो जांच हो उसमें भी हमें बहुत भरोसा है और इसके साथ साथ पूरी संवेदना है और सभी से जो भी फॉलोअर हैं, जो भी अनुयायी हैं, जहां तहां से जिस तरह से कि कोई लावारिश लाश ना रह जाए, अपने घर पहुंचे, अंतिम संस्कार के क्रिया की पूरी हो, कोई इंजर्ड दवा के अभाव में, अस्पताल के अभाव में, पैसे के अभाव में ना रह जाए, वाहन के अभाव में ना रह जाए, इसके लिए सभी सेवादार पूरी तरह से संलग्न हैं, लगे हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं और इसी के लिए नारायण साकार ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और अस्पताल में इलाज के लिए भी किया है और जो भी आगे प्रोसेस होगा उसमें आगे सहयोग होगा, हर तरह से होगा। घटना दुखद है, बहुत ही जिसके लिए शब्द नहीं, निशब्द है, जिसके लिए शब्द व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी धैर्य रखना है सबको और जांच हो, कड़ी सजा मिले, जो भी दोषी हैं इसमें उनको दंड मिले, लेकिन जांच के साथ साथ इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। नारायण साकार हरि के जीवन में लोग कहते हैं पीछे भागे, उनके यहां कभी पैर छूने की प्रथा नहीं है, कभी उन्होंने जीवन में पैर नहीं छुलाए, उनके यहां कभी चंदा दान पात्र डोनेशन कि कोई व्यवस्था नहीं है। वो नारायण साकार हरि आज कोई तक कोई मोबाइल फोन नहीं रखते, कोई सोशल साइट्स नहीं है उनकी, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई पत्रिका नहीं छपती है, कोई फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, कभी कुछ नारायण साकार हरि जी का नहीं रहा है, बिल्कुल उनका शुचिता का जीवन है। इसीलिए जो भी संवेदना है वो व्यक्त की जा रही है और विलंब के कारण यह है कि कोई उनका कनेक्शन नहीं, लाइन ऑर्डर है, लाइन ऑर्डर की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वो भी व्यवस्थाएं देखनी है, हमें सबकी बात माननी है, हमें सबके ऊपर विश्वास रखना है, हमें सब पर भरोसा रखना है इस आधार पर, लेकिन कोई भी आगे कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे।